भाई विल स्पिन विल स्पिन विल स्पिन सेंचुरी लगो 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 ये सेंचुरी लग गई 101 पे। हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम अपनी गाड़ी में करने वाले हैं इसका माइलेज टेस्ट कि आखिर एक लीटर पेट्रोल में कितना चलती है और कितना ये मैक्सिमम माइलेज निकालती है और कितना मिनिमम। तो सबसे पहले हम एक बॉटल में लेंगे एक लीटर पेट्रोल और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो भाई हम लोग ये एक लीटर पेट्रोल ले चुके हैं तो अभी चल के इसको अपनी गाड़ी में डाला जाएगा और फिर तो सबसे पहले इसको हम डालेंगे इसके फ्यूल टैंक में और फिर देखिए कि और आगे क्या करेंगे। सबसे पहले हम कार को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पार्किंग लाइट करेंगे ऑफ 14.3, ठीक है। अभी जब हम इसको ज़ीरो कर देंगे तब फ्यूल यूज वगैरह सब कुछ ज़ीरो हो गया, तो इसका फ्यूल यूज्ड और हर चीज़ ज़ीरो हो गई, ठीक है। तो एक लीटर में कितना चलती है और क्या इसका मैक्सिमम माइलेज रहता है, पहले हम इसका एवरेज निकालते हैं कि मैक्सिमम में कितना दे सकती है। तो गाड़ी को हम बड़े ही प्यार से ड्राइव करने वाले हैं तो शुरू के जो आधे लीटर होगा उसे हम अच्छे से एकदम ड्राइव करेंगे माइलेज निकालते हुए, और उसके बाद जो होगा उसमें हम एकदम रैश ड्राइविंग तगड़ी वाली करने वाले हैं। एसी कार में भी ऑफ है तो अभी हम ये देखते हैं कि कार मैक्सिमम कितना माइलेज आखिर निकाल सकती है। तो अभी ये बता रही 14.5, 14.7, 14.15, 15.7, 16.1, 2, 16.7, 16.9, ठीक है। बस देखते चलो कैसे से क्या बन रहा है इसका। मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आपको इसमें अच्छे से दिखता रहे। तो फिलहाल देखिए कार 17 का माइलेज निकाल रही है। और हम गाड़ी को बहुत धीमे धीमे ही चला रहे हैं, बहुत धीमे, अंडर 50 ही हैं अभी हम। अट्ठारह तक तो देखो निकाल ही रही है, 50 तक हम आ चुके हैं। देखो 18 प्लस चली गई गाड़ी, देख रहे हो। इनसे तो मुझे इतना डर लगने लगा है ना गाय माता से, जब से भी एक्सप्लोर द अनसीन का एक्सीडेंट हुआ है गाय से पूरी फॉर्च्यूनर उड़ गई। देखो देखते चलिए, बारिश भी होने को है, देखते हैं हम इससे मैक्सिमम माइलेज आखिर कितना निकाल सकते हैं, मेन हमारा मुद्दा यही है। 19 देखो, 18, 19, 19, 20 इतना ही लगभग। अभी ये देखो कार की स्पीड है 60, 60 पे अगर हम स्पीड 60 की स्पीड में अगर हम अपनी गाड़ी को क्रूज करते हैं मतलब 60 से 65 के बीच, तो देखते हैं कितना निकालती है। देखो देख रहे हो 19.9, एकदम प्यार से गाड़ी निकाल रही है 19.9। और अभी मैं रैश ड्राइविंग भी करूँगा फिर देखते हैं कि रैश ड्राइविंग में कैसा आता है। एकदम फुल पावर भगा डालूँगा आज गाड़ी, ठीक है, जितना भाग पाएगी। तो मौसम जैसे ही अच्छा हो जाता है ना, देखो अब अगर मैं इनसे हेलमेट मांगूँ और कहूँ हेलमेट कहाँ है, इनका चालान होना चाहिए। देखो 20 का माइलेज, वाह वाह, अरे हूटर मार के लोग निकल रहे हैं यार। देखो 19.8 का माइलेज गाड़ी निकाली है अभी, 20.9, 21 जाना है तुमको, 21 जाओ, चलो 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 चलो। अरे तुम नहीं भैया, तुम तो किस ही दिए दे रहे हो हमारी गाड़ी को, आके छुआ दोगे अभी। हमने उससे एक किस कहा 20.9, चलो 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 21, अरे क्या दुश्मनी, वेरी गुड, चलो देखो 21 है।
अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, 20 का माइलेज तो इसने ऐसे ही निकाल दिया। वाह, देखो सामने देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, बाप रे। देखो 21.1, 21.2, ये देखो आराम से गाड़ी निकाल रहे हैं। देखते हैं फ्यूल यूज हमारा कितना हुआ तब से अभी तक। एवरेज स्पीड निकली हमारी 42, रेंज 0, फ्यूल यूज्ड, अरे फ्यूल यूज 0.2, मतलब सिर्फ 200 ग्राम पेट्रोल, वाह 200 ml, मतलब वाह। देखो ऑफ रोडिंग करेंगे अब। अरे अल्टिगा जा सकती है तुम्हारी, ड्राइवर किसी थार तक कम है क्या? बाप रे बाप, हो भाई ये गड्ढा देखो कितना बड़ा है, ये देखो कितना बड़ा गड्ढा है। अरे मतलब अच्छा, हाँ अब हम लोग MP आ गए ना, UP में बाबा जी ने बहुत अच्छी सड़कें बना रखी है, MP में प्रॉब्लम है। तो 0.5 लीटर जब हो जाएगा तब फिर हम इसमें रैश ड्राइविंग करना शुरू कर देंगे। अब जो 0.2 ही है तो अभी हो चुका 0.3 लीटर, हम लोग 5 का वेट कर रहे हैं कि कब ये 5 होगा। और देखें अगर तो एवरेज वही 20 का निकाल रही है, और गाड़ी चली कितनी, 5.4 किलोमीटर्स कार चली अभी, ठीक है। फ्यूल यूज 0.3, ऐसे ही 5 होगा ना तो अपन भगा लिया जाएगा गाड़ी। हाँ है पर अभी 0.5 हो ही नहीं रहा कि मैं गाड़ी में मतलब थोड़ा दम लगा के इसे भगाना शुरू करूँ। हो गया 0.5, ठीक है। तो 0.5 और इसमें हमारी गाड़ी चली है टोटल 10 किलोमीटर, मतलब वही लगभग 20 का माइलेज। अब हम यहाँ से क्या ले लें, यूटर्न ले लें, और यूटर्न ही ले लेते हैं, यहाँ से हम यूटर्न लेते हैं और फिर देखते हैं कि जब हम रैश ड्राइविंग करते हैं तब कार कितने का माइलेज देती है और तब फ्यूल यूज कैसे से क्या होता है। अब हम गाड़ी को फुल पावर भगाने वाले हैं, थर्ड गियर में 76 तक, थर्ड के बाद ही हमने लगाया इसमें, फोर्थ गियर पे 80, फोर्थ गियर में 92 तक, बट ये लो मोड़ आ गया तो ये हमारी गाड़ी मुड़ गई है। फिर से गाड़ी भगाएंगे हम और अब देखते हैं कितना भागती, क्या माइलेज निकल के आता है अब, क्योंकि तब 10 किलोमीटर चली ठीक है आधे लीटर पेट्रोल में, वही 20 का माइलेज निकाली गाड़ी, 20.2 का। और अब देखते हैं कि कितने का निकालती है। तो रोड तो यार कम मज़ेदार लग रही है ना, उस तरह भगाने लायक नहीं है, टर्न्स बहुत हैं रोड पे, चिड़िया उड़िया आके शहीद हो जाती हैं, पर चलो सही है बच गई, लगा नहीं कुत्ते उत्ते ना शहीद हों बस। अरे हटो अभी तो हमारे सामने से निकले थे। तो ये देखो 0.6 हो गया इतने में ही, 80 पे हमारी कार है, 80-90 आराम से चल रही है। ये देखो जब भी अगर आप कभी पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ पे रोड एकदम ऐसी घूमी हुई होती हैं, वहाँ पे आपको जानते हैं अपना डिवाइडर पकड़ के चलना, जैसे यहाँ पे है तो आप इसे एकदम ऐसे दबा के अपनी गाड़ी घुमाइए, क्योंकि आगे से कोई भी गाड़ी आ सकती है और आके वो आपकी गाड़ी को लिटरली उड़ा सकती है और आप सीधे पहाड़ के नीचे चले जाएंगे। तो ये देखिए इतना जगह देना कि उधर साइड से अगर कोई गाड़ी तेज़ी से घूम के भी आ रही है तब भी आपकी गाड़ी पे कोई भी किसी भी तरह का इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये सामने बस बस आ रही हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम। फिर ब्रेकर कुदा दिया अपन ने, ब्रेकर वेकर जानते इसमें भी ज़्यादा पता नहीं चलते हैं ब्रेकर कूदा, देखना ब्रेकर आएगा। ये देखो 80 की स्पीड में मस्त ब्रेकर कूद जाती है ना गाड़ी, मैंने काफ़ी हद तक मैं पंजा दबा के गाड़ी चला रहा हूँ, देखो 90 91 घूमी हुई यार रोड्स बहुत हैं। किसी दिन मैं जाऊँगा यार बुंदेलखंड एक्सप्रेस से, वहाँ पे आपके लिए बढ़िया वीडियो शूट करूँगा इसकी टॉप स्पीड वगैरह की, वहीं पे मस्त अपनी कार को, क्योंकि हम लोग भगा सकते हैं, क्योंकि बाकी यार सिंगल लेन रोड में ना इतना दम लगा के हम लोग भगा नहीं पाएंगे। देखो तुम्हारी गाड़ी 10 किलोमीटर चली थी ना, देखो अभी 0.8 आ चुका है रैश ड्राइविंग में, 100 पे अपनी गाड़ी चल रही है। ये देखो 100 सेंचुरी लगो, ये सेंचुरी लग गई 101 पे, और फिर एक टर्न आ गया है, अगेन एक टर्न,
एक ना देखो ब्रेकिंग टेस्ट करें, देखो आगे यहाँ से ख़राब रोड है भी आपको दिख जाएगी, ये है ख़राब रोड 70। ऐसे हम पूरे ब्रेक्स अप्लाई भी नहीं किए थे तब भी बहुत पहले ही रुक गई। ख़राब रोड पे इस तरह से हम लोग गाड़ी को, देखो यहाँ से इस तरह से हम लोग गाड़ी को उतारेंगे तो गाड़ी पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना है और साथ ही साथ प्यार से उतर जाती है, खट खट आवाज़ें नहीं आती हैं। और एक बार व्हील स्पिन भी ट्राई करते हैं, जब इतना दुष्टता कर ही रहे हैं थोड़ा सा और कर लें। टायरों की आवाज़ सुनिएगा ठीक है, 0.9 हो ही गया। ओ भाई व्हील स्पिन व्हील स्पिन व्हील स्पिन, वाह मज़ा आ गया, पीछे एकदम मस्त धूल ही धूल उड़ गई। व्हील स्पिन पे ही व्हील स्पिन यार, मतलब कार पहिए ही नाचते चले जा रहे थे कार में, कार आगे बढ़ ही नहीं रही थी। ये देखो थर्ड गियर में है कार, आराम से कैसे 100 पहुंची। अभी देखते हैं कितना, उधर 10.1 किलोमीटर था ना, 0.9 ही अभी आ गई थी, पहले कहां से हम लोग चलाते हुए चले आए थे अपनी गाड़ी। गजब झूला आ गया, झूला 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 झूला, ये ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे। 1 लीटर हो चुका है, सो 1 लीटर रोक दो गाड़ी। ओके पहले हमारी गाड़ी चली थी 10 किलोमीटर, अभी है 16 किलोमीटर, एवरेज 17 का दिखा रही है। तो पहले फ्यूल यूज था हमारा 0.5, तब 10 किलोमीटर थी और अभी है 16.5। तो अगर इस तरह देखा जाए तो एकदम तगड़ी वाली, मतलब हमने व्हील स्पिन्स भी किए, गाड़ी कायदे से हमने भगाई भी, उन सब के बाद अगर देखा जाए तो 16.5 यानी 6.5। तो इतनी दुष्टता के बाद गाड़ी ने 13 का माइलेज निकाला है, और जब हम लोग बड़े प्यार से गए थे तब गाड़ी ने 20 का माइलेज निकाला था। ठीक है, तो बाकी आप लोग समझ ही सकते हैं कि कार में कैसे से क्या है। तो मतलब यही था कि जब आप गाड़ी को एकदम प्यार से चलाएंगे तो लगभग 20 का माइलेज आपको निकाल के दे देगी, और अगर आप रैश ड्राइविंग करेंगे, गाड़ी को अल्लड़ भगाएंगे, तो आपकी गाड़ी तब भी 12 13 14 का माइलेज आराम से निकाल के आपको दे देगी। तो इतना माइलेज है मेरे हिसाब से सफिशियंट है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें माइलेज नहीं मिल रहा, कोई कहता है 10 का मिल रहा है, कोई कह रहा है कि हमें 8-9 का मिल रहा है, कोई 7 में ही आके अटका हुआ है, तो यार गाड़ी को फालतू बदनाम ना करिए। ठीक है, गाड़ी बहुत बढ़िया है, और आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, फिर जल्दी आपके पास एक अच्छा सा व्लॉग भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, और 10K सब्सक्राइबर्स जल्दी करवा दो, क्योंकि गाड़ी को लेकर उत्तराखंड जाने का प्लान बन रहा है। ठीक है, तो प्लान तो बना ही हुआ है, जिस दिन 10K हो जाएंगे उस दिन मैं लेकर चला जाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री राम।